नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुकिंग सिंप्लीफाइड। दोस्तों, मेथी का इस्तेमाल तो हमारे देश में हम लोग बहुत करते हैं, क्योंकि मेथी का बेनिफिट्स हम सब लोग जानते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फाइबर है। ये हमारा बॉडी एक जॉइंट्स, पेन, स्वेलिंग, ये सब चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज बनाएंगे हम मेथी का दाल, और इसके लिए लिया है मैंने एक बंच मेथी, फ्रेश मेथी लीव्स, और उसके थोड़े डंडे मोटे वाले, उसको काट के आप फेंक सकते हैं, और उसको धो के रख दिया था मैंने। और एक कप तुअर दाल ली हूँ, इसको भी हम लोग 2-3 बार मिनिमम धो लेंगे, ताकि इसमें अंदर जो भी पेस्टिसाइड्स हो सब निकल जाए। मिनिमम 2-3 बार आप धोइए इसको। और इस पानी को फेंक के हम क्या करेंगे, दाल में 1 गिलास पानी डालेंगे, और ये जो मेथी हमने धो के रखा था उसको बारीक काटेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मेथी में इतना अच्छा गुण है, इसमें अच्छा इतना ज़्यादा फाइबर है एक्चुअली, और कैलोरीज़ इतना कम है, तो ये आपका वेट लॉस में आपको बहुत सारा मदद मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इतने हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने दाल के ऊपर ही ना मेथी को रख दिया है, और इसको हम लोग प्रेशर कुक करेंगे। अभी क्या करेंगे, एक ठेसा बनाएंगे। उसके लिए लिया है मैंने गार्लिक लहसुन, मतलब उसको अंदर 7 से 8 कली लहसुन का छील के मैंने रेडी करके रख दिया है। देखिए ऐसा 7-8 कली काफ़ी होगा। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। करीबन 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दिया है, और एक पैन में ना 1 चम्मच तेल डाल के ये सब लहसुन और हरी मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा को रोस्ट करेंगे। इसको ना सॉटे करेंगे सिम में, करीबन 2 से 3 मिनट काफ़ी होगा। ये देख सकते हैं आप, हरी मिर्चें और गार्लिक सिक गया है अच्छे से। इस टाइम पे आपको क्या करना है, गैस फ्लेम को बंद करके ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको ना कूटना है, आपको पेस्ट बनाना है दरदरा इसकी। इसको आप मिक्सी में भी पल्स मोड में आप चला सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्रिफर करती हूँ। आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। ये देखिए बन गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, करीबन 4 मिनट। आप इसका टेक्सचर देखिए, हाँ इस प्रकार से होना चाहिए वो। इसको निकाल देंगे एक कटोरी में, और हमारा दाल जो प्रेशर कुक किया था हमने, वो भी रेडी हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, दाल को निकालेंगे प्रेशर कुकर से, और ये देखिए ये अच्छे से पक गया है। इसको एक बार घोट लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए दाल और मेथी। उबला हुआ मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, हर जगह अलग तरीके से छौंकते हैं मेथी का दाल को। आप इस टाइप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। और उसी पैन में ना करीबन 1 चम्मच भी काफ़ी होगा तेल डाल के, 1/2 चम्मच राई डाल दिया है मैंने, और तुरंत ही थोड़ा सा हल्दी डाल के ना दाल डाल दिया है मैंने। तो दाल को मिक्स कर देंगे एक बार, और थोड़ा पानी डाल देंगे। यू नो, कंसिस्टेंसी आपको थोड़ा सा थिक लगता है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और मिक्स कर दीजिए एक बार सब चीज़ को, और उसको उबलने देते हैं। बहुत टाइम ना लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी दाल और मेथी दोनों पक चुके हैं। आप देख सकते हैं करीबन 2-3 मिनट में ही ये दाल बन जाएगी। थोड़ा सा नमक डाल देंगे फाइनली, आपके टेस्ट के अनुसार आप डाल दीजिए, और मिक्स कर दीजिए हर चीज़ को। एक बार मिक्स करने के बाद, 2-3 मिनट उबलने के बाद ये बन गया है। इसको बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए, बोल में पहले दाल डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है ये दाल दोस्तों। ज्वार की रोटी, चपाती, उसके ऊपर वो जो ठेसा हमने बनाया था ना, लहसुन और हरी मिर्च का, वो डाल देंगे, और थोड़ा सा घी डाल देंगे, करीबन 1 से 2 चम्मच। बहुत हेल्दी है ये दोस्तों, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया डिश है ये। आप इसको फुल्का, चपाती, पराठा या चावल के साथ खाइए, आपको बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा। ट्राई कीजिए दोस्तों, और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा।